दोस्तों, क्या आपका भी कंप्यूटर करंट मारता है? बेसिकली होता क्या है, जब हम अपने कंप्यूटर के सीपीयू को टच करते हैं तो सीपीयू से हल्की हल्की सी करंट निकलती है जो हमें बिल्कुल झटका दे सकती है। मतलब जो हमारा सीपीयू होता है, जब भी हम उसे टच करते हैं तो वो हमें करंट मारती है। हालांकि बहुत जोर से नहीं मारती, लेकिन हाँ, करंट मारती है। तो अगर आपके भी कंप्यूटर से यही प्रॉब्लम आ रही है, आपका भी कंप्यूटर की जो सीपीयू है वो करंट मार रहा है, उसमें से करंट निकल रही है, झटके मारते हैं, तो आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो भी अपने घर में और खुद से। मतलब ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इसे घर में ही ठीक कर सकते हैं। कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टीच किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखे घंटे को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर कंप्यूटर करंट मार रहा है, सीपीयू से करंट निकल रही थी, इसका मुख्य रूप से तीन कारण, जिसमें पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं वो है अर्थ पॉइंट। अर्थ पॉइंट क्या होता है, देखिए जो आपके घर का स्विच बोर्ड होता है उस पर आप देखे होंगे तीन छेद होते हैं, थ्री पिन प्लग कहते हैं जिसे। तो एक होता है जो राइट साइड होता है वो प्लस रहता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो माइनस होता है, माइनस और प्लस। और जो ऊपर में जो छेद होता है, देखे होंगे जो कंप्यूटर के जो सॉकेट होता है, जो प्लग हम प्लग इन करते हैं, उसमें तीन सॉकेट निकला रहता है, तीन छेद रहता है, ठीक है। तो एक प्लस और माइनस हो गया, ठीक है। और जो ऊपर वाले साइड पर जो मोटर रहता है वो क्या होता है, अर्थ पॉइंट। और जब हमारे घर में अर्थ पॉइंट की सप्लाई नहीं होती, तब के कंडीशन में हमारा कंप्यूटर या फिर कूलर, देखे होंगे आप कूलर वगैरह भी कभी कभी करंट मारता है। तो इसका वजह क्या है, हमारे घर में अर्थ की सप्लाई नहीं है। अर्थ मतलब जो हम जमीन से खोद कर जो केबल निकालते हैं तांबे के तार से, उसे हम अर्थ पॉइंट कहते हैं। और जब वो हमारे घर में नहीं होता तो यहाँ पर कूलर हो गई, फ्रिज हो गई, या फिर ये आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया, इन सब में क्या करंट आती है। तो आपको भी चेक कर लेने की आपके घर में अर्थ पॉइंट है या नहीं है। बात करते दूसरे नंबर की, क्या यूपीएस की वजह से। कहने का मतलब ये है कि आज के समय पर अधिकतर कंप्यूटर यूजर जो है यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद करने से कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना दी, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो उस वीडियो को कि कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद करने से क्या क्या समस्याएं आती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यूपीएस, तो यूपीएस से कैसे करंट मारती है। मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर की जो यूपीएस होती है वो क्या प्लस एंड माइनस और अर्थ के पर्पस में काम करता है। लेकिन अगर हमारे घर में अर्थिंग की सप्लाई नहीं होती तो क्या होता है, जो हमारा यूपीएस है वो जब अपने सीपीयू को, मतलब हमारे कंप्यूटर को लाइन की सप्लाई करता है, और उस बीच में क्या होता है, जो हमारा पावर सप्लाई है उसे अर्थ नहीं मिल पाती, तो यूपीएस की जो करंट है, जो झटका है, उसे वो बढ़ा देता है और हमें फिर सीपीयू जोर से झटका मारना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपके कंप्यूटर पर जो यूपीएस लगी आप उसे एक बार रिमूव करके देखिए, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में जो करंट आ रही थी वो बंद हो जाएगी और आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से फिर काम करेगा। फ्रेंड्स, बात करते तीसरे नंबर की, तो वो क्या है, मदरबोर्ड एडजस्टमेंट। कहने का मतलब ये है, जब भी हम नया कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं तो उस पर क्या होता है, कैबिनेट अलग होता है, मदरबोर्ड अलग होती है, हार्ड डिस्क अलग होता है, पावर सप्लाई अलग होता है, सबको फिर जोड़ जाड़ के हम एक सीपीयू तैयार करते हैं। तो इसी बीच क्या होता है, जब हम मदरबोर्ड को कैबिनेट पर टाइट करते हैं, फिक्स करते हैं, उस पर बैठाते हैं, तो यहाँ पर जो हम स्क्रू टाइट करते हैं, उस स्क्रू की हेल्प से हमारे कंप्यूटर की जो बॉडी होती है, जो कैबिनेट होता है, उस पर अर्थ की सप्लाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जब अच्छे से उसको नहीं बैठा पाते, सही से नहीं लगा पाते, और अर्थ की सप्लाई कैबिनेट पर नहीं हो पाती, तो यहाँ पर हमारा जो सीपीयू है वो करंट मारना स्टार्ट कर देता है। इसमें आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि इसे हम कैसे ठीक करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ओपन करता हूँ अपना सीपीयू। सीपीयू ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लगा है मदरबोर्ड, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगा है हमारा मदरबोर्ड, ठीक है गाइस। और इसी मदरबोर्ड पर लगा है यहाँ पर स्क्रू, देख सकते हैं आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊँ, देख सकते हैं यहाँ पर लगा है स्क्रू, एक स्क्रू यहाँ पर लगा है और एक स्क्रू इधर साइड में लगा है, देख सकते हैं इस साइड पे, देख सकते हैं आप, और एक स्क्रू इधर लगा है, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर चार स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पर भी एक सीपीयू स्क्रू लगा जो कि निकल चुका है, ठीक है। तो ये जो मदरबोर्ड है, ये से सीपीयू के कैबिनेट पर टाइट करने के लिए स्क्रू टाइट किया जाता है, और इसी स्क्रू की मदद से हमारे पूरे बॉडी पर अर्थ की सप्लाई होती है। लेकिन जब हमारे पावर सप्लाई से अर्थ नहीं मिल पाता तो हमारे सीपीयू जो है करंट मारना स्टार्ट कर देती है। तो आपको क्या करना है, सारे केबल कनेक्शन को आपको एक बार निकाल देनी है और फिर से आपको यहाँ पर जो केबल जहाँ जहाँ पर लगा था उसे लगा देनी है। कैसे कि इसके केबल कनेक्शन करते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। क्योंकि जब केबल कनेक्शन सही नहीं रहता तो भी हमारे सीपीयू से करंट निकलता है। और घुमा फिरा अगर हम बात करें तो मेन वजह जो है अर्थ का ही होता है। आप देखे होंगे जो सीपीयू होता है तो सीपीयू पर यहाँ पर तीन सॉकेट होती है, देख सकते हैं, एक तो हो गया प्लस और एक माइनस, और जो ऊपर में जो बसता होता है हमारा अर्थ पॉइंट। और जब हमें अर्थ पॉइंट नहीं मिल पाता तो यहाँ पर जो सीपीयू है वो या फिर कूलर है या फिर फ्रिज वगैरह, इसमें से करंट निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको भी अपने घर की जो अर्थ वाले कनेक्शन उससे एक बार चेक
कर लेंगी गाइस। बात करते हैं चौथे नंबर की, तो ये क्या है SMPS। जब हमारे कंप्यूटर पर लगी SMPS से पावर सप्लाई है वो अगर खराब हो जाती है तब के कंडीशन पर भी हमारे कंप्यूटर की जो CPU है उसमें से करंट निकलता है। SMPS का मतलब जिस पर आप अपने कंप्यूटर की जो लीड है जिसे हम पीछे से साइड कनेक्ट करते हैं जिसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसे कहते हैं SMPS। जब ये खराब हो जाती है, इस पर कोई खराबी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तब के कंडीशन पर हमारे कंप्यूटर की जो CPU है उसमें से करंट निकलना स्टार्ट हो जाती है। फिर वोल्ट जो उसमें निकलते रहती है वो वोल्ट कम ज़्यादा होता है तो भी यहाँ पर हमारे कंप्यूटर की जो CPU करंट मारता है। तो इस कंडीशन पर आपको अपने कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई उसे चेंज करा लेनी है, फिर आपके कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम प्रॉपर ठीक हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे को भी दबाएं और जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट की रिप्लाई करवाऊँ। और मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है sandeep_patel72, जाकर फटाफट से फॉलो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।